हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है हैशटैग ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सही मायनों में लोकतांत्रिकवाद हो, पढ़ाई का हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंग्लिश यूज्ड। ठीक है, तो आप जानते ही हैं इंग्लिश लैंग्वेज को हम देख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आज हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे इंग्लिश की जो यूज़ होती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन किस जगह पे इंग्लिश यूज़ हो रही है, कितने उसमें वर्ड्स हैं, उसका मेन पर्पस क्या है यूज़ करने का, उसके आधार पर इंग्लिश की टाइप्स हैं, उसे आज हम देखेंगे। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए ये जो प्रकार हैं इंग्लिश के, इन्हें देखना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, बेसिकली टाइप्स ऑफ इंग्लिश यूज्ड में ये पांच टाइप्स हम देखेंगे। एक है बेसिक इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश, न्यूक्लियर इंग्लिश एंड सी स्पीक। ठीक है, कौन कौन सी है? बेसिक इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश, न्यूक्लियर इंग्लिश, सी स्पीक। तो थोड़ा सा नेम से देखते हैं, फिर आगे इनको एक एक करके डिटेल में भी लेते हैं। बेसिक इंग्लिश हो गया जो बेसिक हम यूज़ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशल इंग्लिश कुछ स्पेशल होगी, कुछ खासियत होगी उसमें। ग्लोबल इंग्लिश जो पूरे ग्लोब में यूज़ होती है। न्यूक्लियर इंग्लिश जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, जो न्यूक्लियर हमारी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं एंड ऑल। सी स्पीक, सी यानी कि जो समुद्र में यूज़ होती है, समुद्र में शिप्स चलती हैं, सेलर्स होते हैं जो वो यूज़ करते हैं। तो ये जनरल से नेम के आधार पर मैं बता रही हूँ। बेसिक इंग्लिश जो नॉर्मल हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, स्पेशल में कुछ खासियत है, ग्लोबल जो ग्लोबली यूज़ होगी, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ होगी। आपने यूरोनियम, प्लूटोनियम सबका सुना होगा ना, इसे न्यूक्लियर एनर्जी हम पैदा करते हैं एंड ऑल। वो सी स्पीक जो समुद्र में यूज़ होती होगी। ये नेम से थोड़ा सा एक्सप्लोर करके मैं आपको बता रही हूँ, बाकी अभी जब हम आगे इनको एक एक करके डिटेल में लेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और एक टिप आपको साथ में मिल गया, सबसे पहले जो भी चीज़ आप पढ़ें उसके नेम से ही उसको समझने की कोशिश करें, उसके नेम में भी पूरा कॉन्सेप्ट होता है, फिर हम आगे बढ़ें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे लेंगे बेसिक इंग्लिश। ठीक है, बेसिक इंग्लिश को लेकर दोस्तों सबसे पहली खास बात है, लिंग्विस्ट थे हमारे लैंग्वेज को बनाने वाले चार्ल्स के ऑगडन। ठीक है, कौन है? चार्ल्स के ऑगडन, उन्होंने ये बेसिक इंग्लिश बनाई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, ये एक इंग्लिश बेस्ड कंट्रोल्ड लैंग्वेज है, यानी कि है तो इस पर इंग्लिश ही है, पर समहाउ ये कंट्रोल्ड लैंग्वेज है। कंट्रोल कि इसमें बड़ी ज़्यादा आपको वोकैबुलरी की टाइप या बड़े ज़्यादा सेंटेंस वैसा कुछ नहीं मिलेगा, कंट्रोल टाइप है, मतलब जुगाड़ू टाइप ये इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल ऑक्सिलरी के तौर पे। ठीक है, ऑक्सिलरी होता है एक्स्ट्रा हेल्प, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे मुझे कहीं सर्वाइव करना है, मुझे जरूरत पड़ गई इंग्लिश बोलने में, तो ये बेसिक इंग्लिश मुझे वहाँ पे सर्वाइवल में हेल्प कर देगी। कि मान लो मुझे पूरी इंग्लिश नहीं भी आती, पर ये बेसिक से अगर मुझे आएगी तो मैं सर्वाइव कर जाऊँगी ऐसी कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, और दोस्तों बेसिकली ये बेसिक इंग्लिश की खास बात क्या है, जब कभी आप सेकेंड लैंग्वेज को टीच कर रहे हो जो कि बेसिकली इंग्लिश है, वहाँ पर एज अ एड, एज अ हेल्पर ये हमें हेल्प करती है। यानी कि जब आप किसी को इंग्लिश सिखा रहे होते हो ना, फुल फ्लैश इंग्लिश, पर बिल्कुल शुरू में जब आप थोड़ा थोड़ा उसे सिखाना शुरू करते हो, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना शुरू करते हो, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हो कि अच्छा ये है, वो स्टेज जो है इसमें आती है। ठीक है, बेसिक है बिल्कुल, जो नॉर्मल फंडामेंटल है जो किसी को भी आनी चाहिए और आए, जो हमारा सर्वाइवल में हमें हेल्प करे। ओके, ये चार्ल्स के कॉगडन ने दी है, ऑगडन ने दी है, बेसिक है ये, कंट्रोल लैंग्वेज है, बड़ी ज़्यादा वोकैबुलरी बड़ा कुछ वैसा कुछ नहीं मिलने वाला, नॉर्मल बेसिक सा मिलेगा जो आपको सर्वाइवल में हेल्प करे। इंटरनेशनल ऑक्सिलरी है, इंटरनेशनल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑक्सिलरी इज एज अ एक्स्ट्रा हेल्प। आप बाहर कहीं हो, आपको पूरी इंग्लिश नहीं आती, पर इसमें कुछ ऐसे बेसिक से शब्द आप सीख लोगे कि आप सर्वाइव कर लोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इसमें है, जब कभी आप
सेकेंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश सिखा रहे हो, मतलब खुद आपकी हिंदी है कोई भी है, सेकेंडरी कोई बाहर की फॉरेन लैंग्वेज आप इंग्लिश सिखा रहे हो, वहाँ पर एज अ एड एज अ हेल्पर ये आपको हेल्प करती है। मतलब बिल्कुल शुरू में जब आपको पूरी नहीं आती बट स्टिल यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू लाइक से योर थिंग्स, योर वर्डिंग्स, यू हैव टू डू आदान प्रदान ऑफ योर विचार, वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगी। ठीक है, एक एक पॉइंट एक एक पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वी हैव स्पेशल इंग्लिश। स्पेशल इंग्लिश क्या है, ये इंग्लिश जो USA है ना अमेरिका, वहाँ पर न्यूज़ में यूज़ होती है, जो भी न्यूज़ चैनल है उनमें यूज़ होती है, और इसमें बस कोई 1500 वर्ड्स हैं। इस इंग्लिश में ओनली 1500 वर्ड हैं जो स्पेसिफिकली हम न्यूज़ में यूज़ करते हैं। जैसे आप इंडिया में भी अगर आप न्यूज़ देखो तो कुछ खास से वर्ड्स नहीं होते जिससे हम तहलका ये वो हमारा इंटरेस्ट बनता है, हमको मज़ा आता है, कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं जो न्यूज़ चैनल वाले यूज़ करते हैं। तो USA में न्यूज़ के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो खास स्पेशल वोकैबुलरी यूज़ की जाती है, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेशल इंग्लिश। बेसिक क्या थी, जो बेसिक है थोड़ी बहुत आपको बस सर्वाइव कर दे, स्पेशल है USA के न्यूज़ के लिए होने वाली। तो स्पेशल तो है ही है क्योंकि ये वाली स्पेसिफिकली USA में हम न्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें है 1500 वर्ड्स। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश जो ग्लोबली यूज़ होती है, ग्लोबली यानी कि पूरी धरती में जितनी भी कंट्रीज हैं सब जगह ओवरऑल ये यूज़ होती है। ठीक है, ये बेसिकली इंग्लिश ही लैंग्वेज है। ठीक है, ये 2004 में जीन पॉल नेरी ने बनाई थी। किसने बनाई थी, 2004 में जीन पॉल नेरी ने बनाई थी। जैसे जो बेसिक वाली है वो किसने बनाई थी, चार्ल्स के ऑगडन ने बेसिक बनाई थी। ठीक है, और ग्लोबल जो है ये बनाई है जीन पॉल नेरी ने 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा स्टैंडर्ड ग्रामर होता है यूज़। जो बेसिक थी वो तो नॉर्मल सी थी, उसमें नहीं था कि बड़ा हाई फाई रूल्स रेगुलेशन आपने यूज़ करने हैं, बस ऐसे जुगाड़ू यूज़ करनी है। पर ग्लोबल में स्टैंडर्ड यूज़ होता है, जो स्टैंडर्ड की इंग्लिश है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन यूज़ होते हैं। और दोस्तों इसमें आपके 1500 वर्ड्स आते हैं, 1500 वर्ड जो ऊपर है वही मैंने नीचे लिखा है कि ये इंग्लिश ग्लोबली यूज़ होती है, इसमें 1500 वर्ड्स हैं, इसमें स्टैंडर्ड ग्रामर यूज़ होता है, इसको 2004 में जीन पॉल नेरी ने दिया था। ठीक है, तो जो बेसिक जुगाड़ू है नॉर्मल ग्रामर वाली, जुगाड़ू में तो नॉर्मल ही होगा ना, बड़ा हाई फाई नहीं होगा, वो ऑगडन ने दिया। ये ग्लोबली यूज़ होने वाली इंग्लिश है, ये जीन पॉल नेरी ने दी है 2004 में, इसमें स्टैंडर्ड ग्रामर यूज़ होगा, पूरी ग्लोबली इस प्रकार की इंग्लिश यूज़ होती है, और 1500 वर्ड्स इसमें। अगली अगली टाइप करते चलो पीछे से कंपेयर करते हुए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर इंग्लिश। न्यूक्लियर इंग्लिश सिंपल वो इंग्लिश जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और इसमें 1000 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये वो इंग्लिश है जो भी वर्कर हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम करते हैं, न्यूक्लियर कोई प्लांट लगाए वो यूज़ करते हैं, और इसमें 1000 वर्ड आते हैं। न्यूक्लियर से आ गया, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ करने वाले वर्कर इसे यूज़ करेंगे, 1000 वर्ड्स इसमें मौजूद हैं। देन लास्ट वी हैव सी स्पीक। सी हो गया आपका समुद्र, समुद्र में क्या चलती है, शिप, शिप में क्या होते हैं, सेलर्स या मारिनर्स। ठीक है, तो जो समुद्र के लोग हैं, समुद्र में शिप्स चल रही हैं, उसमें जो सेलर एंड ऑल जो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं सी स्पीक। न्यूक्लियर इंग्लिश जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज़ हो, सी स्पीक जो समुद्र में यूज़ हो, समुद्र में ऑब्वियसली जो हमारे सी वगैरह में है जो उसको यूज़ करें। इसके अलावा दोस्तों ये लिंगुआ फ्रैंका यहाँ पे अलग से कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी भी मैं आपको करा चुकी हूँ। तो लिंगुआ फ्रैंका मैंने आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ाया हुआ है। लिंगुआ फ्रैंका जो है क्या होता है, जब दो अलग अलग देश हैं जिनकी अपनी अपनी भाषा अलग अलग है, पर वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसे हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भारतीय हूँ, मुझे आती है हिंदी। ठीक है, मेरे सामने है कोई चाइना का, उसे आती है चाइनीज़, पर मुझे उसकी चाइनीज़ नहीं आती, उसको मेरी हिंदी नहीं आती, तो आपस में बात करने के लिए मैंने यूज़ कर ली इंग्लिश। तो ये जो कॉमन लैंग्वेज है जो हम दोनों को आती है, हम दोनों आपस में बात कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसे कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, और इंग्लिश पूरे विश्व की सबसे बड़ी लिंगुआ फ्रैंका है, यानी कि कोई भी कंट्री को बेसिकली अपनी लैंग्वेज आती है, उसके अलावा कोई आती है वो इंग्लिश है, जिस वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पे सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, सो लिंगुआ फ्रैंका में इंग्लिश लैंग्वेज आती है,
इसे हम इंटर कम्युनिटी, यहाँ पे देख सकते हैं इंटर कम्युनिटी कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग होंगे, उनकी अपनी अलग अलग भाषा होगी जो एक दूसरे को नहीं आती होगी, पर कोई कॉमन लैंग्वेज जो दोनों को आती होगी उसको बेस बनाकर वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा ही होगा आजकल जो कंपनीज़ हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, अलग अलग देशों में एक ही कंपनी चलती है, तो वो तभी हो पाता है ना जब वो वहाँ की लैंग्वेज हमें आती है, तभी हम कर सकते हैं उस चीज़ को, है ना, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो लिंगुआ फ्रैंका मीन्स ऐसी लैंग्वेज, दो कम्युनिटी के लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई और है पर एज अ कॉमन वो यूज़ कर रहे हैं सर्वाइवल के तौर पे, ये अलग से ही कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारी सारी इंग्लिश इन यूज़ होगी। सी स्पीक जो समुद्र में बोली जाए, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बोली जाए, ग्लोबल जो पूरी ग्लोबली बोली जाए, स्पेशली USA के न्यूज़ वाली इंग्लिश, और बेसिक जो नॉर्मल हमारी फंडामेंटल इंग्लिश है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये एक एक टर्म, एक एक कॉन्सेप्ट था, एज अ नेम के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया और ऐसे भी पूरा इससे संबंधित सारे फैक्ट्स फिगर दे दिए। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को जरूर थम्सअप दें, प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पॉकेट पढ़ाई को। और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों मात्र 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2 मौजूद है, वो भी एट इजी इंस्टॉलमेंट ऑफ 833 और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, और दोस्तों ये एक कोर्स नहीं है बल्कि बंडल ऑफ कोर्सेज है। इसमें आपको प्रॉपर हर यूनिट पे प्रॉपर कोर्स मिलेगा, जिसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल है, सिस्टमेटिक लॉट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑथेंटिक MCQs हैं प्रैक्टिस के लिए यूनिट वाइज, सिस्टमेटिक प्रॉपर लेक्चर्स हैं बेस्ट कंटेंट के साथ, इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ यानी कि मैं। और साथ में दोस्तों इसमें आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, PYQs, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, बस आप जस्ट नाम लीजिए आपको सब कुछ मिलेगा। और टाइम भी इसका पूरा बड़ा रखा गया है ताकि हर प्रकार के लर्नर को ये हेल्प करें और नेट GRF रैंक आपका एश्योर करें। ठीक है, साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के साथ दिया गया है, आप हमें वहाँ पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, हम आपको जरूर गाइड करेंगे इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी जेन्युइन क्वेरी है तो। इसके अलावा दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर पे, वहाँ पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें। ध्यान रखें दोस्तों, हार्डवर्क तो गधा भी करता है पर वो वहाँ का वहाँ ही रहता है, तो हार्डवर्क को करिए स्मार्ट अप्रोच के साथ, स्मार्ट कंटेंट के साथ, स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी के साथ, उन सब टिप्स ट्रिक्स टेक्निक के साथ जो एश्योर करे आपका नेट GRF विद रैंक। एंड आई विल मेक श्योर इट कि इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूं, ताकि इश्क मोहब्बत और प्यार हो आपको आपके सब्जेक्ट के साथ, एंड डेफिनेटली वही इश्क मोहब्बत प्यार ये सब्जेक्ट भी आपको पैक करे आपकी सफलता के साथ, जिसे कोई बीट ना कर पाए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। आने वाले लेसन में हम आगे बढ़ेंगे एंड कुछ की पॉइंट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर को लेकर, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और दोस्तों पता नहीं चला समय का, पर अब हमारी ये यूनिट फिनिश होने वाली है, ये लास्ट लेक्चर होगा आने वाला, जिसमें कुछ की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अगेन टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट है, पर्सन है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, टीच करूंगी और एक्सप्लोर करूंगी। टेक केयर।